कि जो आपको लगेगा ना छोटी सी लाइट है भाई, कुछ दिखेगा कहाँ इसमें, बहुत ज्यादा ब्राइट। मतलब दिवाली में मैं इस बाइक से जबलपुर जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि सिटी में एवरेज जिसका आता है ना वो ऑलमोस्ट ओके। सो हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, माय नेम इज अक्षत एंड यू आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। लास्ट वीडियो में मैंने देखा कमेंट्स में, जिसमें मैंने नेगेटिव वीडियोस बनाए थे, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके देखना, जिस वीडियो में मैंने टोटली इसके नेगेटिव पॉइंट्स कवर किए। तो लोग बोल रहे थे कि भाई पल्सर ने लॉन्च इवेंट में बुलाया और फिर तुम जाके पल्सर की बुराई कर रहे हो, बजाज की बुराई कर रहे हो। यार देखो, अगर आपको मैं सही चीज़ें नहीं बताऊँगा तो कोई मतलब नहीं है, राइट। आज मैं आपको सारी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ इस बाइक की, कोई अपन फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे, एकदम रॉ वीडियो रहने वाला है, ज़्यादा कट नहीं करूँगा, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, कुछ नहीं, जो है आपको रॉ चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। सो वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा कि क्या अच्छा है। ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर्स मैंने इस बाइक में कर लिए, उसके बाद मैं रिव्यू बता रहा हूँ। और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, ये बाइक ना, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने कोई बुराई नहीं की है लास्ट वीडियो में इस बाइक की। मैंने ये भी बोला है कि लास्ट इस उसके भी पहले जो मैंने इस क्वेश्चन एंड आंसर वाला जो वीडियो बनाया है ना, उसमें मैंने ये चीज़ बोली है कि भाई मैंने इसकी तारीफ भी की है, और इतनी तारीफ़ की है कि मैं 750 किलोमीटर इंदौर जाके इस बाइक में आया हूँ और मैंने कोई कंप्लेन नहीं की इस बाइक की। तो कुछ ख़राबी नहीं इस बाइक में। स्टार्ट करते हैं इस बाइक की। फर्स्ट जो सबसे अच्छी चीज़ है इस बाइक की, आपको देख के समझ में आ रहा होगा, वो है लुक्स। ट्रस्ट मी, मैं कितना इस चीज़ को बोला हूँ, हर एक वीडियो में बोला हूँ, मैं आपको मजाक नहीं करूँगा। मैं कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, पुणे में मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरे बाजू में ट्राइम्प खड़ी रहती है, जो रेट्रो वाली ट्राइम्प है, मुझे उसका मॉडल याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है। आज का ही इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं आपको, लोग ट्राइम्प नहीं देखते एक बार को इस बाइक को ज़रूर देखते हैं, क्योंकि वो रेट्रो वाली बाइक है शायद, इसलिए ये वो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको लगेगा ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ मैं ट्राइम्प का, मैं फोटो डालता हूँ ट्राइम्प का, ये वाली बाइक है। इस बाइक को छोड़ के इस बाइक को देखते हैं, ये इतनी अट्रैक्टिव दिखती है। तो फर्स्ट पॉइंट, लुक्स बहुत ज़्यादा सेक्सी है। इनिशियली जब ये लॉन्च हुई थी तो लोग बोल रहे थे कि जो फेयरिंग है वो हाफ लगती है, ठीक है, ये हाफ फेयरिंग लगती है लोग बोल रहे थे, मतलब ये जो खाली पार्ट लगता है एकदम खाली खाली सी दिखती है ये वो। ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है लुक्स में। यार पता नहीं कौन थे वो लोग जो ऐसा बोलते हैं, आप लुक्स देखो ना इस बाइक के, यार कितने प्यारे हैं, बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ही अच्छे लुक्स हैं। सेकेंड पॉइंट, ये DRL जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, ट्रस्ट मी, और बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपको सड़क वगैरह में कभी आप जाओ ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि दिन के टाइम में दिखे ना आपको। भाई तो वहाँ पे कपल्स बैठे हैं, वो देख रहे हैं मेरे को सब, क्या कर रहा हूँ मैं, लिटरली वहाँ कपल बैठा हुआ है, मेरे को देख रहा है मैं क्या वीडियो क्या वीडियो। एक्चुअली जहाँ पे ना ARAI है, यहाँ पे सब शाम के टाइम आते हैं और मैं शूट करने के लिए आता हूँ, बाकी सब आते हैं यहाँ पे अपना टाइम गुड टाइम स्पेंड करने के लिए, वॉक करने के लिए। तो बेसिकली इंडिकेटर्स आपको दिखाता हूँ मैं, थर्ड पॉइंट दिखाता हूँ इंडिकेटर्स। इसकी एक कम्प्लीट LED है, बाइक में कहीं पे भी हाइलोजन का काम नहीं है, कम्प्लीट LED। तो ये एक LED आपको मिल जाती है, पीछे भी आपको दिखाऊंगा, तो LED है। एक चीज़ बस इसमें है नहीं, वो है हजार्ड लाइट, और वो चीज़ आप लगवा सकते हो, कनेक्शन करवा सकते हो बाद में, ठीक है। ओके, जो कि बहुत मेजर चीज़ों में को कवर करनी थी, इसकी जो लाइट है आप देख सकते हो, सामने की जो हेडलाइट है वो इतनी ज़्यादा, क्या बोलूँगा, अपर डिपर कहाँ है भाई, हाँ भाई, ये लाइट मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मेरे को कभी भी फील नहीं होता कि इसमें मेरे को एडिशनल जो लाइट्स नहीं होती, फॉग लाइट्स जो आजू बाजू लगाने के लिए, वो लगाने की ज़रूरत है। सीरियसली ये जो पॉइंट है ना, बहुत मेजर पॉइंट है, और मैं चीज़ कवर करना बहुत टाइम से चाह रहा था, लास्ट वीडियो मैंने बोला था, बट मैंने इस चीज़ को इतना एम्फसाइज नहीं किया था। बट ट्रस्ट मी, दिस लाइट इज़ किलर भाई, किलर। आप कोई भी वीडियो देखो रात में भी ना, आपको फीलिंग, जो आपको लगेगा ना छोटी सी लाइट है भाई, कुछ दिखेगा कहाँ इसमें, बहुत ज़्यादा ब्राइट। मतलब अभी अंधेरा नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आपको डेफिनेटली, अगर मैं घर जाते आते यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो गया ना, तो मैं डेफिनेटली इसका एक जो लाइट का थ्रो है कि कितना ज़्यादा दूर जाती है अपर में भाई, मज़ा आ जाता है लिटरली, मेरे को एडिशनल लाइट्स लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा इसका लाइक आउटपुट है। ओके, तो अभी देखो पूरा अंधेरा है सामने, यहाँ पूरा अंधेरा, बाइक चालू नहीं अभी है, अभी इसकी हेडलाइट देख लो, देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट है ये, अभी अपर भी चालू है, देखो कितनी ऊपर तक, थ्रो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका, और बंद करूँ अगर मैं, देखो पूरा अंधेरा हो गया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा थ्रो है इस बाइक का, नो डाउट। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे आगे आऊँगा, जो है यहाँ से स्टार्ट करूँगा,
सो दिस इज़ द फ्रंट ABS, आप देख सकते हो यहाँ पे ABS लिखा हुआ है। ये डुअल चैनल ABS में आती आना चालू हो गई है, बट पहले सिंगल चैनल ABS में आती थी, तभी मैंने इसको ख़रीदा था। तो इसका जो फ्रंट ब्रेक है मक्खन है भाई, लिटरली मैं लोनावला जा रहा था अपने एक ट्रिप बाइक में, लिटरली मैं ये ABS ने मुझे बचाया है। बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेकिंग है फ्रंट, मज़ा आ चुकी। ठीक है, ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये वाइज़र काफ़ी अच्छा लुक देता है, और फिर उसके बाद इस साइड आएंगे तो देखो अब क्या है। ये जो सीट है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था थोड़ी बहुत ख़राब होना चालू हो गई है ये। ठीक है, इसका जो ये कवर है ये अच्छा नहीं है, लेकिन सीट का जो कंफर्ट है वो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेगेटिव पॉइंट वाला वीडियो था। सीट का कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रस्ट मी, मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर इतना ज़्यादा अच्छा कम्फर्ट है ना इसका, कि मैं इस, अभी क्या दिवाली आने वाली है राइट, दिवाली में मैं इस बाइक से जबलपुर जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं ऑब्वियसली, फ़्लाइट और ये वो, और मेरे एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा बाइक के साथ लंबी टूर पे। तो मैं ये बाइक, अगर मैं सोच भी रहा हूँ ना इस चीज़ को कि इस बाइक से मैं जा सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस ये बाइक मुझे दे रही है कि मैं जबलपुर जा सकता हूँ इस बाइक से, तो आप समझो कि ये बाइक डेफिनेटली अच्छी है, कुछ ख़राब नहीं है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप लोग ने इस वीडियो को ले लिया, लास्ट वाली वीडियो को, ऐसा कुछ नहीं है इस बाइक में, बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, सीट मैंने बता दी बहुत कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड्स के लिए, काफ़ी बढ़िया। प्लस आप एक तो यहाँ पैर रख सकते हो, इसका जो ये फुट पैक है ना ये बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं है, तो आपको पूरा स्पोर्टी वाला फील नहीं आता, एक कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ट्रायंगल राइडर्स ट्रायंगल होता है बहुत अच्छा है वो। नेक्स्ट जो है, आप यहाँ पे बैठते हो ना तो आप यहाँ पे भी पैर रख सकते हो लॉन्ग टूर्स में, आप यहाँ पे पीछे से देख रहे हो मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ, लॉन्ग ट्रिप में ना आप यहाँ पे पैर रख सकते हो, तो बहुत कंफर्टेबल एक राइडिंग पोजीशन हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट एक और जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है इस बाइक की, माइलेज। आपने अगर पुणे से इंदौर वाला मेरा व्लॉग देखा है ना, नहीं देखा तो ज़रूर देखना, क्योंकि उस ट्रिप के बाद मेरी इसको, मेरे को, मुझे इस बाइक में माइलेज कितना ज़्यादा मिला है गेस कर सकते हो? अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो गेस कर सकते हो, 250cc की बाइक है ये। उसके बाद मैं टैंक पे आऊँगा इसके, 48 का माइलेज आया है, 48 किलोमीटर पर लीटर, एक लीटर में 48 किलोमीटर्स 250cc होने के बाद। ठीक है, तो माइंड ब्लोइंग एवरेज है। पल्सर है यार, पल्सर बहुत ज़्यादा अच्छा एक, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी बाइक्स है, तो मतलब ट्रस्टेड है बेसिकली, बहुत बहुत ट्रस्टेड है, तो उसके कारण बहुत अच्छे एवरेज आते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, टैंक, फ्यूल टैंक जो है इसका 14 लीटर्स का है, तो लॉन्ग राइड्स में आपको कम से कम पेट्रोल स्टेशन पे रुकना पड़ेगा रिफ्यूलिंग के लिए। और एक मैं आपको बताऊँ, इंदौर जब मैं गया था तो ऑलमोस्ट एक लीटर में एक बार फुल टैंक करवाने पे ये 550 किलोमीटर चल रही थी हाईवे पे। सिटी पे ऑलमोस्ट 450 चलती है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली सिटी में एवरेज कम आता है। तो हाँ, एक और चीज़, सिटी में एवरेज जिसका आता है ना वो ऑलमोस्ट 35 मुझे दे रही है। मैं बाकी जो वीडियोस देख रहा था ना, वो उसने ये चीज़ एक्सेप्ट भी की है बाकी वीडियो में, कि वो बहुत हाई RPM पे चलाता है। यार इंजन को आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस दोगे ना, उतना कम एवरेज आपका निकाल के देगी गाड़ी। तो आप गाड़ी से प्यार करो, गाड़ी आपसे प्यार करेगी, दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप किसी भी चीज़ को प्यार से चलाओगे, मैं इसको बहुत प्यार से चलाता हूँ, मेरी कोई रफ ड्राइविंग नहीं है। लोग बोल रहे थे इसकी, मैंने आज तक अपनी पल्सर पे जब भी लॉन्च हुई थी ना, मेरे को कितने सारे वीडियोस आए थे कि इसकी टॉप स्पीड निकाल के बताओ, टॉप स्पीड लिमिटर का इशू आ रहा है कि नहीं, ये वो, उस पर भी वीडियो बनाया मैंने। मैंने कभी भी टॉप स्पीड इसकी निकाल के नहीं दिखाई आपको, मैं क्योंकि बिल्कुल रफ ड्राइविंग नहीं करता, और अगर मैं रफ ड्राइविंग करता भी हूँ कभी, तो बहुत ज़्यादा जब खुली रोड्स है या ऐसा कुछ है तब। तो जो इसका एवरेज मुझे सिटी में मिलता है, और अराउंड 35-38 का इसका सिटी का मुझे एवरेज मिलता है। ठीक है, नाउ जो पीछे की तरफ आएंगे, एक और जो पॉजिटिव पॉइंट बताने वाला हूँ मैं आपको, सारी गार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ऐसा अलग सा लुक नहीं देता, गाड़ी की लुक ख़राब नहीं करता कुछ भी, बहुत ज़्यादा सटल, बहुत बहुत प्यारा लुक है इसका, कुछ भी दिक्कत नहीं आती इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी टेल लैम्प्स है, ये टेल लैम्प्स आप खुद देखो यार, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये पल्सर के सिग्नेचर जो दो रहते हैं ना उस टाइप के, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको ये स्पेस मिल जाता है जहाँ पे मैंने ऑब्वियसली हैप्पीएस्ट लाइफ लिखवाया है, ये ख़राब हो गया है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छे पॉइंट पे आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट पे आने वाले हैं। अभी अपन गेस कर लिया होगा आपने, इस बाइक को ना मुझे अलग से इसमें वो लगते हैं कि एग्जॉस्ट लगवाना चाहिए, लगवाना पड़ेगा। इतना प्यारा इसका जो है, क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट नोट है ना, इतना ज़्यादा प्यारा है लिटरली, मुझे लगता ही नहीं कि मुझे, बाय द वे देखो ना, कॉलेज में खड़ी करता हूँ गाड़ी तो स्क्रैच वगैरह लोगों ने मार दिया यार, पार्किंग में प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, आगे की तो गंदी है, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्क्रैच आ गया, क्या कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना,
बहुत ज़्यादा प्यारा है यार, बहुत ज़्यादा प्यारा है। देखो बेस है इसकी जो क्या बोलते हैं एग्जॉस्ट में ना, एक बेस है, बहुत अच्छा लगता है वो चीज़, बहुत बहुत ही प्यारा है। अलग से इसने आपको एग्जॉस्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक वो ऐसे भम 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 करके बचता रहता है। नेक्स्ट इंजन, मेन इंजन तो भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर जबलपुर में जाने की सोच रहा हूँ ना, बस एक चीज़ मुझे लगती है, सिक्स्थ गियर होना चाहिए हाईवे पर चलाने के लिए, बाकी मुझे इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इंजन इसका बहुत स्मूथ है, कुछ भी इशू नहीं है। और अगर आपको सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखने इस वीडियो इस बाइक के बारे में, तो ऑब्वियसली मैंने कवर किए हुए हैं हमारे पूरे कंप्लीट नेगेटिव वाले वीडियो पे। ओके, तो अभी एक चीज़ और मेरे को ध्यान आई इस बाइक का, आप देख सकते हो मैं भी थोड़ा ना थोड़ा सा ऑफ रोड आया हूँ यहाँ पे, देख सकते हो ये पत्थर वगैरह यहाँ पूरे, और मैंने अभी बाइक को यहाँ से टर्न लिया, ये ऊंचाई देख रहे हो यहाँ पे। तो मेरे को इस चीज़ की ये कवर करनी थी इस बाइक की, कि ये जो आपको लगेगा ना भले कि इसका क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है, नीचे लड़ जाएगी गाड़ी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरा ये देखो ना, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, सबसे लेके आया हूँ सब यहाँ पे देख सकते हो। इसके ऊपर से निकाला मैंने गाड़ी, अभी इसके ऊपर से गाड़ी निकाली है, यहाँ पे हाइट देख सकते हो, कहीं पर भी बाइक लगी नहीं है अभी तक नीचे एक बार भी। जब से भी मैंने गाड़ी अपनी बाइक खरीदी है ना, ऑलमोस्ट एक साल होने का हो गया, आज तक ये बाइक कभी नीचे लगी नहीं है। तो बहुत प्लस पॉइंट है इसका, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अरे व्यू देखो यार कितना सही है, अमेजिंग। एक चीज़ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो बाइक है इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलते हैं। क्लिप ऑन हैंडल बार क्या होते हैं, ये बीच से कनेक्टेड नहीं रहता, ये आप देख रहे हो ये इस टाइप का क्लिप ऑन हैंडल बार। तो इसमें ना आपको यहाँ पे इस तरीके से मोबाइल होल्डर है वो ऐसे लगता है क्लिप ऑन हैंडल बार में, यहाँ पे एक छोटा सा नट लगा के यहाँ पे ऐसे बाइक लगा सकते हैं। तो ये चीज़ है जो कि ऐसे लगता है, मुझे लगा आपको बता दूँ, तो वो चीज़ कवर करने वाली थी। तो एक लास्ट में एक बोनस टिप जो कि मैं हमेशा देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नो मैटर आपके पास कौन सी बाइक है, ये चीज़ आपकी बाइक में होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है भाई, इतनी ज़्यादा काम की चीज़ है ना आपका, मतलब एक अभी बारिश का टाइम है तो एक पानी की बोतल और एक छाता तो मेरा इसमें रहता ही है हमेशा, प्लस हेलमेट का लॉक भी मैं इसमें रख देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है यार इसमें। तो ये अगर आपने नहीं लिया है, ये पूरा निकल जाता है भाई, तभी एक बैग स्कूल बैग टाइप का बन जाता है, ये निकाल के अभी कभी दिखाऊंगा आपको, इसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो डाला है मैंने। तो ये बंजी रोप्स वगैरह सब कुछ इसमें रखा रहता है यार, लॉक भी हो जाता है ये। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी नाइस थिंग, डेफिनेटली वन थिंग टू बी कंसिडर्ड अगर आप बाइक वगैरह लेने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास बाइक है ये ज़रूर लगवा लेना टैंक बैग, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ख़रीदने का, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये था पूरा इस बाइक का एक पॉजिटिव वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सबके रिप्लाई देता हूँ, ऑब्वियसली भाई मेरा काम है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो akshat_SS, सारे अपडेट्स रील्स एंड सब कुछ डालता रहूँगा वहाँ पे मैं, आप देखना बहुत काफ़ी अच्छा है, मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। टेलीग्राम पे तो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब इंस्टाग्राम से भी ज़्यादा टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं दिन भर डील्स डालता रहता हूँ। डील्स कौन सी, जो भी शॉर्ट टाइम लूट ऑफर्स आते हैं, अभी अमेज़न की सेल आई थी, फ्लिपकार्ट की सेल आई थी साल की सबसे बड़ी, तो जो भी शॉर्ट टाइम डील्स आती रहती हैं वो सब वहाँ पे डालता हूँ। टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो भाई मोटिवेशन मिलती है एंड इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल देन, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।